इसके अंदर आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हम करेंगे कि इंप्रेशंस क्या होता है, क्लिक्स क्या होता है, व्यूज क्या होता है और ऑर्डर्स, तो चलो हम सारों को पता ही है। तो सबसे पहले बात आती है इंप्रेशन की। फाइवर का थोड़ा सा, अमेरिका से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनका जो पोर्टल है वो थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया। उन्होंने सेलिंग का बिल्कुल अलग कर दिया, बाइंग का बिल्कुल अलग कर दिया। अब मैं लेट्स सपोज जाके रिसर्च करता हूँ एसईओ। मैंने एसईओ सर्च किया। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही आप अपनी गिग लॉन्च करते हो, तो आपने काम करना है, आपने अपना फिल्टर ऑन करके आपने चेक करनी है कि आपकी गिग एट द मोमेंट सर्च पे। 1 मिनट सिर्फ वेट करना। तो आपने करना है कि एक बार आपने जब अपनी गिग बना ली, तो उसके बाद आपने फिल्टर्स यूज करके आपने चेक करना है कि आपकी गिग सर्च के अंदर शो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब फिल्टर्स किस तरह करने कि अब मैं लेट्स सपोज अपनी इस गिग पे जाता हूँ एसईओ की। ये तो एडिट पे आ गई, 1 मिनट सिर्फ। इस पे मैं जाता हूँ, करता हूँ प्रीव्यू पे जाता हूँ। मैं प्रीव्यू पे गया तो एक तो मेरे पास मेरी कंट्री आ गई, जो एट द मोमेंट मेरी नाइजीरिया, क्योंकि फाइवर की अपडेट आई थी तो उससे मेरी कंट्री चेंज हो गई। एक मैं चला गया नाइजीरिया में, मैंने अपनी कंट्री एंटर कर दी। कंट्री एंटर करने के बाद मैं ऊपर गया तो मेरा लेवल कौन सा, मेरा लेवल 1 है। मैंने जैसे लेवल 1 को एंटर किया, लेवल 1 एंटर करने के बाद अब अगर मैं अपने सामने देखूं तो मेरी गिग आ रही है, ये आपके सामने आ रही होगी, आई विल डू मंथली एसईओ टू रैंक योर वेबसाइट इन गूगल। तो ये मेरी गिग सर्च के अंदर शो होगी। लेट्स सपोज अगर आप बिल्कुल नई गिग अपनी बनाते हो और आपने चेक करना है, मुझे नहीं शो हुई। सर की वॉइस ब्रेक हो रही है और मेरी साइड ही प्रॉब्लम है जस्ट। यह सारों में अपडेट आई है, सबसे पहले पाकिस्तान में आती, फिर यूएस वगैरह में आती। तो अब एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने लेट्स सपोज पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान में अब आपका लेवल तो कोई भी नहीं होगा, आप इसे खत्म कर दो, इधर से जाके करो न्यू अराइवल्स। जब आप न्यू अराइवल्स में करोगे तो जो जिन लोगों की बिल्कुल जिन्होंने नहीं बनाई होती गिग, उनकी गिग इधर आ जाती है, क्योंकि इधर आप सामने अपने देख लो कि इधर किसी भी एक भी गिग पे कोई रिव्यू नहीं है, तो ये न्यू अराइवल्स है। तो अगर आप अपनी गिग बनाते हो तो उसके ऊपर आप जाके अपनी कंट्री का फिल्टर ऑन करो, और कंट्री का फिल्टर ऑन करने के बाद आप इधर से न्यू अराइवल्स में चले जाओ, तो आपको अपनी गिग शो होनी चाहिए। अगर शो नहीं हो रही तो आप डायरेक्टली फाइवर से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं। आपकी साइड पर इशू है नुमान, वो अच्छा ठीक। तो अब एक तो चीज हमें ये पता लग गई थी कि हमने अपनी गिग को ढूंढना किस तरह है, अगर उसके ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं है। एक बार वो सर्च फीचर में आ गई, देन हम उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या करना है। अब लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, जो कि मैं अक्सर ही सर्च करता हूँ। तो अब मैंने आपको बताया था कि इधर हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है इम्प्रेशन, एक है क्लिक्स, एक है व्यूज। तो अब होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर एक बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है, ये कीवर्ड सर्च करने के बाद जब वो इस पेज पे आ गया, तो इस पेज पे जितनी भी गिग्स हैं, जितनी भी इस पेज पे आपकी गिग्स होंगी, उन वो गिग्स को इम्प्रेशन चला जाएगा। तो इससे हमें एक चीज क्लियर होगी कि इम्प्रेशन क्या चीज है, कि अगर कोई बंदा कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो इस पेज के ऊपर जितनी भी गिग्स होगी, बेशक वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो नीचे जाए कि ना जाए, वो नीचे जाएगा तो भी गुड है, नहीं भी जाएगा तो आपकी गिग को इंप्रेशन चला गया। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं इधर से जाता हूँ सेकंड पेज पे, तो अब इधर जितनी भी गिग्स है उनको इंप्रेशन चला गया। अगर मैं इसको स्क्रोल डाउन नहीं भी करूं तो भी उनको इंप्रेशन चला गया। तो अब डिपेंड करता है कि अगर लेट्स सपोज आपके इंप्रेशन बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ तो आपको इंप्रेशंस बड़े अच्छे आ रहे हैं। अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल करते हैं कि आपको इंप्रेशन, लाइक अगर मैं इसको लास्ट 6 मंथ्स करता हूँ तो मेरे 160K इंप्रेशन है, मैं लास्ट 7 डेज करता हूँ तो मेरे 2.4K, जो कि डाउन जा रहे हैं। उसके अंदर रीजन क्या है, मेरी गिग शो नहीं हो रही है। शो क्यों नहीं हो रही, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैंसिलेशन काफी ज्यादा मैंने की थी, तो उस वजह से शो नहीं हो रही। तो अब आप लास्ट कहते हैं लास्ट 7 डेज में जाते हो, आप अपनी गिग पे इंप्रेशन देखते हो, 2.4K इज अ गुड इंप्रेशन, इतने कम इंप्रेशन भी नहीं है, लेकिन ये डाउन क्यों जा रहा है, रेड और एरो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो इससे पहले मेरे इंप्रेशन थे वो काफी ज्यादा थे, तो इसलिए अब रेड और एरो शो कर रहा है कि आपके इंप्रेशन डाउन आ रहे हैं। तो अब आपकी गिग को इंप्रेशन आ रहा है, अब आपके सामने,
कि अगर मैं इस पेज पे आ गया तो मेरी गीगो इंप्रेशन चला गया, इसका मतलब क्या है कि जो भी कीवर्ड सर्च हो रहा है उसके अंदर मेरी गीक कहीं ना कहीं उस पेज पे आ रही है जिस पे कोई बंदा आके सर्च कर रहा है। अब लेट्स सपोज अगर एक बंदा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन सर्च करेगा, तो अगर वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है तो फर्स्ट पेज पे अगर मेरी गीक है तो मेरी गीक पे इंप्रेशन चला जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी गीक कहीं ना कहीं रैंक कर रही है जो उसको इंप्रेशन रेगुलरली आ रहे हैं। अगली बात, अगली चीज है व्यू क्या होता है। अब अगर मैं जैसे इस पेज पे आया तो इंप्रेशन चला गया, अब अगर मैं इस गीक की बात करूं तो ये जो 1 मिनट जरा, अच्छा अब वो बंदा इस गीक पे आया, इस गीक पे आने के बाद लेट्स सपोज वो इधर आके स्टे करता है। अब ये जो है ये मेरे जाने वाली गीक है, तो अब इधर उसने स्टे किया तो इसको व्यू चला गया। व्यू मेनली अगर मैं लेट्स सपोज स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा सारों पे तो सारों को व्यू मिलता जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्रीन पे आ गया तो इंप्रेशन मिल जाएगा। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके मैंने सारों को देख लिया तो उन्हें व्यू मिल जाएगा। अब होता क्या है कि इंप्रेशन मिलना शुरू हो गए तो इसका मतलब है हमें इस चीज का आइडिया होगा कि यार हमारी गिग कहीं ना कहीं रैंक कर रही। लेकिन उसके बाद अगर लेट्स सपोज मेरी गिग पे व्यू आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, व्यूज अब मैं इधर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो व्यूज आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। अब उसके अंदर क्या चीज है कि अब मेरी गिग का कवर इतना अच्छा नहीं है कि उसके ऊपर जो ऑडियंस है वो क्लिक करे। अब मैं इधर जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कवर की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं इधर से नीचे जाता हूँ, इस गिग को व्यू चला गया लेकिन इस पे क्लिक नहीं गया है। जब क्लिक नहीं गया है तो इसका मतलब ये कवर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या ये जो आपकी इमेज लगी हुई है ये कोई फेक है, लाइक अ वर्डप्रेस बस इसके ऊपर लड़की की इमेज लगी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको डाउट आ जाता है। तो अगर आपका अपना ना नेम के ऊपर लगे, जिस तरह से पैन है पैन के ऊपर उस बंदे की अपनी पिक्चर लगी हुई है, या जैन मलिक के इस बंदे की अपनी पिक्चर लगी हुई है, तो इसके चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर आपका गिग का कवर काफी अट्रेक्टिव है तो चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके ऊपर क्लिक होने के। और लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि अगर आप अपने गिग पे वीडियो डालते हो तो वीडियो से आपकी फाइवर आपकी गिग को खुद ब खुद ही बूस्ट करता है। तो इससे क्या पता लगा कि यार अगर व्यूज आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे तो हमने क्या चीज चेंज करनी। जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि अगर व्यूज आ रहे और क्लिक्स नहीं आ रहे तो उसके अंदर हमें क्या चीज को चेंज करना चाहिए। इमेज चलो गुड हो गया, काफी बच्चों को पता लग गया। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मेरा व्यू भी आ गया, मेरा क्लिक भी आ गया। अब वो बंदा इधर आता है, वो बंदा मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन को रीड करता है, वो ईच एंड एवरीथिंग मेरी गिग की डिटेल्स को रीड करता है, वो मेरे डिलीवरी टाइम को रीड करता है, ईच एंड एवरी सब कुछ करता है। तो उसके बाद वो बंदे का मुझे मैसेज नहीं आता है। अब नेक्स्ट लेवल देखो, 3 चीजें, एक इंप्रेशन है, देन व्यू है, देन क्लिक है। अब 1 मिनट जरा यार, ये मैंने सर्च किया तो इंप्रेशन चला गया, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया तो व्यू भी आ गया, व्यू आने के बाद क्लिक भी आ गया, क्लिक आने के बाद जो उससे नेक्स्ट चीज है। अब लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि जो आपका अकाउंट है वो ज्यादा अच्छे रिव्यूज हो तो ही रैंक होता है। अब मैं आपको इनकी दिखाता हूँ, सिर्फ 7 रिव्यूज है इस अकाउंट पे, सिर्फ 7 रिव्यूज है 5 स्टार। और इसका अकाउंट अगर मैं बात करूँ आपको तो एट द मोमेंट मेरी अपनी रैंकिंग काफी डाउन हुई क्योंकि क्वालिटी वर्क काफी डाउन चला गया था। तो इसकी एक ही आ रही है, मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो इस बंदे की 2 गिग्स आ रही थी, तो अभी इस बंदे की 1 गिग आ रही है। इस बंदे की 1 गिग पहली पेज पे 3rd लाइन पे आ रही है। तो इससे क्या पता लगा कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपका क्या कहते हैं उसे आपका वो ज्यादा हो तो ही आपको ऑर्डर सॉरी आपकी रैंक होगी, आपके रिव्यू ज्यादा हो, कुछ भी हो। सबसे मेन फैक्टर मैं आपको अगली बार बताऊंगा, चलो उसके जो टिप्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे जिससे हम गिग को जल्दी रैंक कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली बार बताऊंगा। तो अब क्लिक आ गया लेकिन मुझे मैसेज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप तो यही ना कि या वो बंदा इधर से कंटिन्यू $145 कर दे, ऑर्डर प्लेस कर दे, या फिर वो बंदा कॉन्टेक्ट मी करके सीधा मेरे साथ इनबॉक्स में आ जाए। तो अब मेरे पास इंप्रेशन भी आ रहे हैं, मेरे पास क्लिक्स भी आ रहे हैं, मेरे पास व्यूज भी आ रहे हैं। इंप्रेशन हमेशा सबसे ज्यादा होंगे। अगर मैं लास्ट 6 मंथ की बात करूं तो इस गिग पे 160K यानी कि 1,60,000 इंप्रेशन है,
इस पे व्यूज 6.7 किए हैं और इस पे जो क्लिक्स हैं वो 6 किए हैं। तो इससे क्या पता लगा कि इम्प्रेशन सबसे ज्यादा होते हैं हमेशा, इम्प्रेशन सबसे ज्यादा होने के बाद व्यूज होंगे, व्यूज के बाद क्लिक्स होंगे। अब 6.7 के का मतलब 6,700 व्यूज है, उसके अंदर से 6,000 क्लिक्स भी हैं, तो इसका मतलब है कि काफी अच्छा कन्वर्जन रेट जा रहा है मेरा क्लिक्स पे। लेकिन आगे ऑर्डर्स नहीं है। अब ऑर्डर्स मैंने अगर मैं आपको सामने देखो तो 138 आ रहे हैं। 138 ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर काफी ऑर्डर ऐसे थे जो मैंने खुद नहीं पकड़े, काफी ऑर्डर ऐसे थे जो मुझसे होते नहीं थे, मैं कर नहीं सकता था। तो अगर लेट्स सपोज एक बंदा फुल प्रो लेवल का बैठा हुआ है जिसको अपने स्किल पे 100% मिली है, तो वो आराम से, अगर मैं इस गी की बात करूं तो उसके पास एक पूरी टीम है करने वाली, तो आराम से ये जो ऑर्डर्स है वो उसके 300 to 400 to 500 तक आराम से हो सकते थे। तो अब क्लिक्स भी आ रहे हैं और मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपको, या कोई आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर फिर गलती किस जगह पे आती है आपकी? इस जगह पे आती है, एक मिनट जरा। हाँ जी, फिर आपकी गलती आती है कि आपके ये प्लान्स में कोई ना कोई कमी है। ये जो आपके तीन प्लान्स है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, देन आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कोई ना कोई डाउट है, या फिर आपकी जो पिक्चर है वो काइंड ऑफ फेक लग रही थोड़ी सी, आपका नेम जो है वो थोड़ा फेक लग रहा है, आपकी कंट्रीज का इशू आता है, लाइक जबकि मेरी नाइजीरिया कंट्री हुई तो उसके बाद मेरी सेल्स इफेक्ट हुई है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है आपका कंट्री का। लाइक अगर आपकी कनाडा कंट्री है या आपकी यूएस है तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा फिर आपका आ जाता है पैकेजेस, सबसे मेन चीज है कि अगर आपका कंपिटिटर $70 में वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आप $70 में प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट जो है वो आप उसको प्रेफर करेगा जो ज्यादा कुछ ऑफर कर रहा है। उसके अलावा रिव्यूज आ जाते हैं। अब डेफिनेटली स्टार्ट में तो आपको रिव्यूज बिल्कुल जीरो होंगे, तो आप क्या करते हो, आप ट्राई करते हो कि अपनी गिग प्राइसेस को कम रखो। अपनी $50 जो मेरे ख्याल से वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन के अंदर $50 एक आइडियल प्राइस से ज्यादा करोगे तो कम हो जाएगा। मैंने अभी लेटेस्ट 70 अपनी कर दी थी क्योंकि मुझे लोग ऑटोमेटिक काफी ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, तो 50 मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने इसलिए अपनी 70 कर दी थी। तो अभी जल्दी से कमेंट में बताना है कि आपको इंप्रेशन, क्लिक्स और व्यूज का अगर क्लियर हो गया हो, देन हम जल्दी से नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करते हैं।